सोनल चला। मतलब तुम इधर आओ, तो थोड़ा सामने आओ ना। ओह नो, क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? पीछे घूमो, पीछे घूमो। इतना चुस्तम चुस्त पहन के कहाँ कूद फंद करने आ जाती है छतवा पे, इतना बड़ा गोलंबर लेके आ जाती है तो देखा तो क्या बोलेगा? तुम्हारा नजर खराब है ना, जो देखेगा उसका नजर खराब है। हाँ, तो हम, मेरी क्या गलती है? हम लंगटे घूमे रोड पे और चार गो देखे तो बोले कि उन लोग का नजर खराब है, हम तो लंगटे घूम रहे हैं। क्या साड़ी पहन के? साड़ी पहन के कैसे करेंगे योगा? पागल हो गए हो क्या? साड़ी पहन के दुनिया का सब कांड हो जाता है, साड़ी पहन के शादी हो जाती है, साड़ी पहन के सुहागरात हो जाता है, साड़ी पहन के योगा नहीं होता है। चुस्त पहन के चुस्त चुस्त बोली बोल रही है। रूम में कोई करता है योगा? योगा करने के लिए लोग पार्क में जाता है, हम कम से कम छत पे आते हैं करने के लिए। क्या प्रॉब्लम है? के नीचे ही हमको गांड डोलाना है ऊपर आके। क्या है इतना चुस्त चट चट आवाज कर रहा है बम जैसा? क्या आवाज करेगा? चुस्त पहन के यहाँ पे आ गई हो तंदुरुस्त बनने के लिए? तो देखो तो तुम पीछे घूमो तो, या देखो गुलदस्ता पे सब पे नजर नहीं जाएगा जी कोई? ऐसा क्या कर दिया? घर की औरत बीच में नहीं आती है। इसमें औरत वाला क्या बात है? औरत या औरत वाला बात है, आजकल फैशन ज्यादा बढ़ गया है। दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा? क्या 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 दुपट्टा नहीं है? दुपट्टा नहीं है किए जा रहे हो? पागल हो गए हो क्या? साइको हो गए हो? हाय हुल्ला गाड़ खुला सब घूमते रहता है जन्ने मन तन्ने। पहले कमीज सीखो बोलने का, ठीक है? किसके सामने क्या बात कर रहे हैं? नहीं कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ ज्यादा एकदम सर पे एकदम चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो। एकदम चुप। क्या चुप चुप किया जा रहा है? बात कर रही हो दीजिए। मर मर क्या ये मतलब है यार कि जब देखो तुम चार को आदमी के सामने भी तुमको बेचक बेचक कर देते हो? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। गाइस एकदम सुबह सुबह का समय है, सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं आ गया हूँ छत पे चाय वाय पी के फ्रेश होके। देखो अभी सूख के उठा हूँ, थोड़ा सा जी भी लग रहा है बाल वगैरह। तो आज हम करने वाले हैं सोनल पे, अभी धूप है लेकिन बादल के पीछे है। तो मॉर्निंग में आज प्रैंक करने वाले हैं सोनल पे, क्रेजी हस्बैंड पॉजिटिव हस्बैंड बनने वाले हैं। मतलब होता है ना गाँव देहात में रोक टोक करता है कि इधर मत जाओ उधर मत जाओ, ई मत पहनू मत पहनो। तो सोनल आ रही है योगा करने छत पे और हम करने वाले हैं पॉजिटिव हस्बैंड का रोल। क्या पहन के योगा कर रही हो, लोग क्या बोलेगा नहीं बोलेगा, ये वो देखना। वीडियो बहुत अच्छा है, एकदम झनाकेदार वीडियो, बस देखो। चलो आ रही है, आज पूरे दिन उसको हम रोक टोक करने वाले, हर मामले में हम राड़पति बनेंगे, पॉजिटिव बनेंगे। चलो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आ रही होगी। A few moments later. आ गई जी। आई कुछ ही पहन के आई हो जी? क्या कुछ ही पहन के आई हो? योगा करने क्या क्या चीज पहन के आएंगे? आज तो हम थोड़ा घर में है तब देख रहे हैं, ये सब पहन के तुम योगा छतवा पे आती हो करने? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो कि तुम ये सब पहन के आती हो? हम नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? हमारे भूतवा पूछेगा। क्या मतलब है ये क्वेश्चन का? क्या मतलब सोनल है? मतलब तुम इधर आओ तो, थोड़ा सामने आओ ना। क्या हो गया, क्या प्रॉब्लम है? पीछे घूमो। इधर देखो मेरी तरफ, इतना चुस्तम चुस्त पहन के कहाँ कूद फंद करने आ जाती हो छतवा पे? अब योगा करने साड़ी पहन के आए क्या? साड़ी पहन के? साड़ी में सारा जब साड़ी में जब सुहागरात हो सकता था, योगा नहीं हो सकता? योगा ही साड़ी में करो, ये सब चीज पहन के मत आओ। इतनी को टॉप पहन लिया, देखो तो कितना चुस्त लग रहा है। बाप रे जी, उधर सब आदमी लोग, अंकल लोग या आंटी लोग योग करती है, इस छत्ता पे पूरा सोसाइटी है चारों तरफ, क्या बोलेगा? तो सुबह सुबह सब योग नहीं करेगा तो क्या करेगा? तुम्हारा मेरा इज्जत प्रतिष्ठा गया तेल लेने, मेरा इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है। अच्छा एक बात बताओ। क्या क्या बताओ? क्या सुबह सुबह तुम क्या क्या लगा के रखते हो? मेरे कपड़े से तुमको क्यों प्रॉब्लम होने लगा भाई? अरे समाज में इज्जत प्रतिष्ठा है, क्योंकि ना रोड पे जब हम शादीशुदा नहीं थे ना, तो हम लोग भी दोस्त रोड पे घूमने जाते थे ना, तो कोई चुस्तम चुस्त पहन के चलती थी ना, तो आखिया का गोटिया है ना, पहले वहीं पे चल जाता था। तब उस भाव से नहीं जाता था, लेकिन दिखता था कि हाँ गोलंबर है। Oh, no. इतना बड़ा गोलंबर लेके आ जाती हूँ छत पे तो सब देखेगा तो क्या बोलेगा? तो तुम्हारा नजर खराब है ना, जो देखेगा उसका नजर खराब। हाँ, है मेरी क्या गलती है? हम लंगटे घूमे रोड पे और चार गो देखे तो बोले कि उन लोग का नजर खराब है, हम तो लंगटे ही नहीं घूम रहे हैं, ये कोई बात है यार? मतलब कुछ भी बोल रहे हो, हम धीरे बोल रहे हैं क्योंकि बगल से सही है, ठीक है? धीरे नहीं बोलना है, तुम धीरे बोलो या गरज के बोलो। सुनो, गरजने वाला बारिश बरसता नहीं, ये बात हम जानते हैं। तो तुम धीरे बोलो गरज के बोलो, लेकिन हम गरजते भी बरसते भी। हम तो साला कभी कभी छुट्टी उट्टी में रहते हैं तुम्हारे साथ, तुम ऐसी आती होगी रोजी? हाँ तो योगा करने तो हम ऐसे ही आते हैं। एकागो करो, एकागो पोज करके दिखाओ तो खड़ा वाला। एकागो क्या, हम अभी आधा घंटा हम योगा करने वाले हैं, तुम कहाँ हो?
आधा घंटा पूरा प्रदर्शन करोगी अपना? रिजवान प्लीज यार, सुबह सुबह पता है क्या, सुबह सुबह हम लड़ाई झगड़ा मत करो, एक सुबह मूड ऑफ करोगे ना तो पूरा दिन खराब जाएगा। तुम सुनो, अगर योगा करना है तो एक पर एक 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 काम, एक चीज के कारण हम परमिशन देंगे, साड़ी पहन के योगा करो, इस सब में नहीं होगा योगा। क्या साड़ी पहन के? हाँ? साड़ी पहन के कैसे करेंगे योगा, पागल हो गए हो क्या? साड़ी पहन के दुनिया का सब कांड हो जाता है, साड़ी पहन के शादी हो जाती, साड़ी पहन के सुहागरात हो जाता है, साड़ी पहन के योगा नहीं हो सकता है। किसको देखे हो साड़ी पहन के योगा करते हुए, बता दो किसको देखे हो? हम साड़ी में शादी किए हैं, हम साड़ी में सुहागरात किए हैं, तो आप किसको देखें, दूसरा को? हम देखे हैं बहुत तो लड़की लोग साड़ी योगा, देखो गूगल पे डालो वीडियो मिल जाएगा, साड़ी भी योगा, योगा भी साड़ी। हम किसी को नहीं देखे हैं, ठीक है, और हम नहीं कर सकते, संभाल लेती होगी बहुत लोग, हमसे साड़ी हमसे नहीं संभालता है। चुस्त पहन के चुस्त चुस्त बोली बोल रही है, टाइट कितना बोल रही है तुम, टाइट कितना बोल रही है तुम। तुमको ए जी मतलब तुमको नहीं है लगता है मेरा इज्जत उज्जत नहीं है, मतलब क्या है, छत्ता पे आ रही हो खुले, हम घर रूम में करो, नहीं तो इसे पहने करना था चार दीवारी के अंदर। रूम में क्यों करेंगे, रूम में क्यों करेंगे योगा, रूम में कोई करता है योगा? योगा करने के लिए लोग पार्क में जाता है, हम कम से कम छत पे आते हैं करने के लिए, क्या प्रॉब्लम है? के नीचे ही हमको गांड बुलाना है ऊपर आके, आओ कहीं जगह नहीं मिला है हमको। क्या बोलेगी सब, क्या डोलेगी, तो योगा में होता क्या है, ऐसे 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 यही तो होता है, तो सही बोल रहे हैं, चिड़िया आ रही हो तब ना बोल रहे हैं, बात बोल रहे हैं, मतलब बोला ना नातों के भूत बातों से नहीं मानते, तुमको लतियाएंगे तबे तुम सुनोगी। तुम क्या एकदम अजीब बिहेव कर रहे हो एकदम सुबह सुबह, क्या ऐसा हम काम कर दिया जो कि इतना तुम बकवास सुनाए जा रहे हो बेवजह? देखो तो इधर क्या क्या देखो, क्या है इतना चुस्त, क्या है इतना चुस्त, चट चट आवाज कर रहा है बम जैसा, तो अब ऐसे मारोगे तो आवाज ही करेगा ना। चुस्त पहन के तुम आई ऊपर तंदुरुस्त होने के लिए, अब मेरा तंदुरुस्ती कहाँ जाएगा, समाज में चार लोग बोलेगा ना फलना की मौगी ऊपर आके चुस्त, हम लोग देखते थे ना कहीं जू जाते थे ना सुबह सुबह, आंटी लोग लड़की लोग योग करती थी ना, तो नजर चल जाता था एकदम, योगा वाला ड्रेस भी एकदम, हमको योगा हमको पसंद था लेकिन योगा का ड्रेस हमको नहीं पसंद है, एकदम दृष्टि टाइट ऊपर टाइट, सोए सोए करती थी, नजर पड़ जाता है, तो इसीलिए चुस्त पहन के तंदुरुस्त नहीं बनना है, माफ करो बेचारी लड़की लोगों को क्या पता, नहीं हम नीचे नहीं जाएंगे, लड़की लोगों को क्या पता है कि कौन, मतलब कोई रखा हुआ एकदम भेड़िया वाला नजर, तौलिया दो इसको, ढकना है हमको, नीचे ऐसे नहीं जाने देंगे, तुम कैसे आ गई हो, ये भगवान क्या जुल्म है, बस वो तो तुम मना कर रहे हो हमको, हम नहीं समझ रहे तुमको, तुम जल रहे हो कि कहीं मेरा ना हम अच्छा बॉडी ना बना ले, जलते हो तुम हमसे, यहाँ देखो बॉडी मेरे पास बहुत है भगवान की कृपा से, भर भर बॉडी है, ये क्या, ये क्या बॉडी है, ये भी बॉडी में आता है, कोची में आता है, गाने में आता है, पागल घूमते रहते, बस हम इतना जानते हैं सोनल हंसी मजाक से हट के, ठीक ना, चलो मोड़ो, पागल हो गए यार, सुबह सुबह क्यों इतना नाटक कर रहे हो, करने दो ना, इसकी माँ का भोला चेहरा, अरे यार प्लीज बुजुर्ग नहीं, 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 योगा तुमको नहीं करना है, तुम आराम से बैठो, आराम से बैठो, हमको करने दो, तुम योगा करोगी, सुबह सुबह कैसे कैसे टाइम निकाल के आते हैं, कौन टाइम निकालती हो जी, सब मतलब घर में नहीं रहता, तुम लोग तो बहकल जा रही हो, आए गांव की औरत एकदम सारा संस्कार पकड़ लिया, शहर की औरत आके सभी बिगड़, जितना पढ़ा लिखा उतना बिगड़ रही है, ऐसे पहन के बैठोगी छत पे, अगर कोई अंकल आंटी कोई भी जेंट्स लेडीज, कोई भी लेडीज से तो दिक्कत नहीं है, जेंट्स लोग आ ही जाता है छत पे, सुबह का समय है, कोई भी आ जाएगा, समझ में नहीं आ रहा दिख क्या रहा है, पूरा फुल बॉडी पहने हुए है, सारा चीज पहने हुए है, इसमें क्या प्रॉब्लम है भाई, चड्ढा समझाओ इसे, क्या दिख रहा है, मेरा दिख नहीं रहा है, इसको तुम बात बोल रही हो, प्लास्टिक का कपड़ा पहन लेंगे, आप बोलेंगे अंदर का सामान नहीं दिख रहा, तो नहीं दिख रहा है, अरे पूरा टाइट है यार, और कोई जेंट्स लोग देखे तो बोलेगा ना, हाँ भाई नजर जाता है, योगा तुम सूट सलवार पहन के करो, साड़ी पहन के नहीं करोगी तो, देखो 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 कैसे बैठी हो, तो हाँ तो ये कंफर्टेबल है तभी ना, वाह वाह स्ट्रेचेबल है, स्ट्रेचेबल है, तितली बन के उड़ रही हो छत्ता पे, देखो ना तितली बन के उड़ रही है, तितली बन के, कोई नहीं देख रहा है, पति कर सकता है लेकिन ये सब नहीं करेंगे, गोदी उठा के ले चल जाएंगे नीचे, चलो नहीं करना है, हमको करने दो, जाओ हम 10 मिनट में आ रहे हैं, चला हम ज्यादा तुमको छूट दे दिए शादी के बाद, हम ज्यादा छूट दे दिए, क्या दुपट्टा नहीं है साला गला पे, जी नीचे टाइट पहन ले हो, साला औरत को छूट देने से ना माथा पे चढ़ के साला पेशाब कर देती है औरत को, वही तुम कर रही हो हमको, क्या हम ऐसा काम कर रही हो, इज्जत पे बन पाया बनाया, बिकासा बोलता है हमेशा कि थोड़ा ना भैया क्लच में, यार उसका नाम मत लो ठीक है, तुमको एक दिन आओ देखा था, हम नहीं बोले, हम ऑफिस में थे, बिकास ऑफिस से निकला था, अपना काम से आया था, लिट्टी समोसा हम लोग के लिए पैक करवा रहे, बोला भाभी को देखे थे शिल्पिया के साथ स्कूटी से जा रही थी,
अब बताओ कि हम बात फ्रेंड है तो जाएंगे ही उसके साथ। हमको भी कसवा पिन मारा, हम समझ गए हमको पिन मारा, लेकिन हम तुमसे नहीं बोले 10 दिन से बात, क्योंकि छोड़ो ठीक है हम जान रहे फ्रेंड है घूम रही हो, लेकिन उसके साथ काहे घूमती हो शिल्पिया के साथ तुम? और उस वही भी बात बता दे, योगा ड्रेस का आइडिया कौन दिया? शिल्पिया ने दी है जी, हमको क्यों देगी? नहीं कोई आईडिया नहीं, मिस ब्यूटीफुल ना, हमेशा योगा प्योगा चोगा वही सब करते रहती है। हां तो वो जब भी कुछ बताती है तो अच्छा ही बात बताती है, तुम्हारा भी कसवा के जैसा नहीं ना एकदम सिर्फ सड़ा गला बात बताती है। बहुत अच्छा बात बताई है, अपने अंग प्रदर्शन करते रहती है, हमरो मौगी को सिखा दिया। ये क्या है सब देखिए, जो चार गो आदमी है ऐसा कोई आदमी नहीं रोड पे इतना चुस्त जींस नहीं पलट के देखा, देखो ना पीछे इतना टाइट है ना कि मजाक में इसे कर रहे थे पटपट आवाज कर रहा है। ऐसे पहन के जाओगी इधर उधर, कोई मन चला लोग अगर गलती से ऐसे करके निकल जाएगा तब क्या करेंगे हम? कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, हम तो योगा करने आए ना चुपचाप, लेकिन तुमको तुम छह तल्ला पार करके छत के टॉप फ्लोर पे आए हो, पूरा सोसाइटी पार करके, इस सोसाइटी में साला 200-150 आदमी रहता है और तुम कहाँ जा रहे हो? आजकल तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, छोटा सा गाँव हर शहर में बस गया है, इसमें छोटा सा गाँव 100 आदमी को 100 आदमी 200 आदमी का गाँव होता है, यहाँ 150 आदमी बसा हुआ है। अब बताओ 150 आदमी को पार करके आ रहे हो छत्ता पे, क्या उधर अंकल लोग टहल रहे हैं? अगर उधर से इधर आ गए क्या मेरा नाक कट जाएगा? सुन रहे हो ना तुम्हारा बात, वही सोच रहे हो कि किस जमाने का इंसान हो तुम हा? तुम बोल रहे हो कितना नैरो माइंड हो तुम, नया जमाने नया जमाने का इंसान बन के हाय हुल्ला गाड़ खुला करने सब कुछ छोड़ दे। सुबह सुबह ना अपना असलियत सबको मत दिखा, असलियत दिखा रहे, असलियत तो तुम दिखा रही हो, हम तो ठीक पैंट शर्ट में खड़ा है दिखा रहे, ऊपर से फिट फाट अंदर से मोकामा घाट, ऊपर से लगेगी कितनी संस्कारी है, अंदर से इसके मन में छूट दे दे तो तुम तो बिकनी भी पहन के घूमने लगे। तो थोड़ा बहुत लिहाज है तुमको तब आ गई और लड़ रही है, तुमको कल से सूट सलवार में योगा पहनना है और नहीं तो नहीं योगा बंद, हमको जो मन करेगा ना वो काम करेंगे, योगा बंद अब नहीं कुछ चलेगा, देखते हैं कैसे बंद होगा, हम भी देखते हैं कैसे बंद होगा। बाबू भैया कभी किया है योगा जो तुम करने सीखी हो योगा? मम्मी 1 घंटा करते है, तुम कहां? तुम्हारी मम्मी योगा इसीलिए 1 घंटा करते है, मोटाइल जा रही है मोटे हो रहे हैं, चलो ना देखना वेइंग मशीन में कितना किसका कितना वेट है। सुनो मेरी बात, सुना सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। औरत का इज्जत होता है ठीक ना, मर्द का इज्जत नहीं होता है। इसमें क्या औरत का इज्जत मर्द का इज्जत तुम लगा के रखे हो यार, क्या ऐसा काम कर रहे हैं, हम नंगा नाच कर रहे हैं क्या? तुम तो ऐसा ही बात कर रहे हो, बता रहे बता रहे। औरत का श्रृंगार होता है, मर्द का नंगा नाच होता है। कोई मर्द अगर रोड पे नंगा नाच करता है लड़ाई झगड़ा मोहल्ला कर ले तो उसका नाम होता है फेम होता है, हाँ मर्द है नंगा नाच कर रहा है, औरत का श्रृंगार होता है, औरत का नंगा नाच नहीं होता, ये नंगा नाच है। कैसे कहाँ से मेरा कुछ दिख रहा है? हमको सब दिख रहा है अंदर से बाहर तक, ऊपर का दृष्टि से हमको दिख जा रहा है। बोल तो रहे कि भेड़िया जैसा तुम्हारा ही आंख है ना, भेड़िया जैसा तुम्हारा आंख है, इतना गौर से कोई नहीं देखता, किसी के पास इतना टाइम नहीं है, पूरा जिंदगी हो गया रोड पे देखते देखते हमको, इसीलिए हम सोचे थे उस दिन प्रतिज्ञा लिए थे जब बच्चा में देखते थे ना 10th 11th 12th में कि अपनी पत्नी को तो कभी ऐसा नहीं पहनने, क्योंकि ऐसा पे सबका नजर जाता है। मजा आया तो देखो, तो तुम पीछे घूमो तो याद देखो, तो याद देखो गुलदस्ता पे सबका नजर नहीं जाएगा जी, कोई हाथ में गुलदस्ता लेके घूमेगा सब आदमी नजर जाएगा, समझ रही हो बात? अपना क्या देखे सबका नजर जाता है, अपना छोड़ के जाते हो ऑफिस, हम लोग क्या, हम लोग हम लोग कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आपको तो दिख रहा है कि कुछ है ही नहीं। देखो गुलदस्ता हाथ में रहेगा ना रोड पे तो सबको दिखेगा कि गुलदस्ता है गुलाब है, हर आदमी का दृष्टि जाएगा, उसी तरह औरत का हर पार्ट हर पुर्जा गुलदस्ता होता है, औरत तिजोरी में बंद करने की चीज होती है, बूढ़ा पुर्णिया बोला है खुलेआम नहीं घूमने की चीज है। चलो आज के जमाने में तो छूट दे दिए, छूट दे दिए तो तुम माथा पर उछल के बैठ गई हो, उंगली पकड़ाए तुम कंधा पे चढ़ के। अरे यार अपना ज्ञान बंद करो, हमको नहीं लेना है ज्ञान तुमसे ठीक है, नहीं लेना है ज्ञान तुमसे ठीक है, गजब बेइज्जती है। योगा बंद करो बस, हम कुछ नहीं जानते सब चीज, तुम इसीलिए तो तुम यही तो चाहते हो कि हम योगा नहीं करें, हम कुछ भी नहीं करें, यही चाहते हो, तुमको बर्दाश्त ही नहीं है, तुमको बर्दाश्त का रूटीन इतना अच्छा कैसे हो सकता है? सोना का दुकान ना सब ताला मार के रखता है, खोल के नहीं छोड़ता। क्या चाहते हो, नहीं करना योगा? नहीं योगा नहीं करना है, योगा को बंद करो, करना तो साड़ी और सूट में अलाउड है, साड़ी सूट में बहुत हो गया, हम ऐसे मूड हो गया हम ऐसे भी नहीं करने वाले हैं, करते रहता जो काम फेंक उक के हम पे चल गए, बदतमीज बोल के चल गई, बताते हैं पति को कहाँ जाती है, हम भी देख रहे हैं इसको। गाइस आसी ऊपर चल गई है सोफा पे के नीचे, फिर मैंने यार एक्चुअली क्या अभी क्या ना आसी के घर पे पूरा काम हो रहा है ना, आसी पूरा फर्नीचर का देखो वार्डरोब वगैरह बन रहा है ठीक है, तो बहुत दिन से चल रहा है काम,
तो एक्चुअली की सोनल आते रहती है, क्या होता है ना डिजाइन विजाइन देखने के लिए, और हम लोग भी क्योंकि हम लोग के रूम पे भी काम करवाना है, तो क्या है ना बहुत अच्छा प्रैंक है, मिस्त्री लोग को किसी को नहीं पता है हम लोग काम कर रहा है हॉल में। सोनल आएगी अभी, आसी को भेजेंगे कि बुलाएगी जाके, मामी घर का डिजाइन देखो कितना अच्छा बन रहा है, बहुत अच्छा टीवी वी शोकेस वगैरह। तो आके जैसे ही बोलेगी ना, आपको पता है आज हम पॉजिटिव हस्बैंड बने हुए हैं, मतलब क्रेजी हस्बैंड, कहने का मतलब है कि हर चीज़ में रोक टोक कर रहे हैं। तो अब ये सीन जो है अभी वाला, जो सीन अभी हो रहा है लास्ट वाला सीन, ये लास्ट कर रहे ये नहीं पता, सुबह से सोनल इरिटेट हो चुकी है, सुबह से सोनल को बाहर मार्केट जाने से पहले टोकें, छत पे टोकें, अब जो करेंगे ना वो एक्सट्रीम लेवल का। मिस्त्री लोग काम कर रहे हैं, दो दो तीन तीन मिस्त्री हैं, उन लोगों के सामने उसको चिल्लाएंगे क्या तुम आ जाती हो इधर उधर दिस डैट। बस वीडियो देखिए, तुम्हारा काम क्या है, बस मामी को बुला लेना, जाओ फटाक से बुलाओ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, ये वाला जो डिजाइन माँ है मिस्त्री जी, हम ना सोच लिए, हम कल ऑर्डर किए हैं दो तीन ठो प्लाई ऑर्डर किए हैं, देखिए ना यहाँ पे आइए इधर देखिए, ये जो आप कर रहे हैं तो मेरे में भी वही प्रॉब्लम है, यही छज जिससे मैं अपार्टमेंट बनाया है ना, तो यही छज दिया हुआ यहाँ पे ना मेरे घर में खींचने वाला, तो बाहर खुलता है तो पलंग नहीं खोल पाते हैं, समझे पलंग बाप, जैसे देखिए इसको उधर करो, अब देखो कम से कम है ना ये खुलता नहीं है, अब आराम है कि इधर से उधर जा सकता है कि नहीं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हाँ देखो ये कितना अच्छा बनाया है, यही वाला हमको भी चाहिए, मेरे रूम में हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ देखो स्मूथली है, देखो हम लोग भी जानते हैं क्या किया है ना, हर जगह ना एकदम खिड़की जैसे नहीं खुलता है वैसा एकदम, हाँ चार पांच को दे दिया एक लाइन से, खुलता भी नहीं है बेड की तरफ। क्यों तभी दिमागवा, जिस दिन हम बोले थे देने के लिए तैयार नींद बेच के सो रही थी, अभी भड़बड़ा के आई हो कि हम जिस दिन छुट्टी में घर में है देखा इसके करने लगी, जब हम मिस्त्री यहाँ पे बात कर रहे तुमको उड़ के आना जरूरी है। तो हम उड़ के क्या आए, हमको आसी ना बोली कि हाँ सोनल मामी चलो ना बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा बनाया चलो देख लेना। आसी बोलेगी मान लो घर में नहीं रहते हम, तब तो तुम तो दिन भर व्यवहार नियम घूमते रहती है, उन्हें पागल हो गए हो क्या, क्या बकवास, एक मिस्त्री यहाँ एक उधर काम कर रहा है, तो क्या करे, तो क्या करे, जब घर में जब मर्द बात कर रहा है, जब मर्द फैसला ले चुका है, कंधा पे जिम्मेदारी हम ले लिए, तुमको यहाँ दिमाग नहीं लगाना, अब दिमाग हम लगाएंगे बनाएंगे ही बनाएंगे ही। बैगन तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, ऐसा क्या कर दिया, ऐसा क्या कर दिया, घर की औरत बीच में नहीं आती है, इसमें औरत वाला क्या बात है, औरत यह औरत वाला बात है, आजकल फैशन ज्यादा बढ़ गया है, कैसे तुम चार गो मिस्त्री के सामने आके बात कर रही हो, तुम तो सुबह से देख रहे थे कि तुम क्या कर रहे हो, दुपट्टा उपट्टा ली नहीं हो, डायरेक्ट यहाँ पे आ गई हो, बना दीजिएगा हल्ला नहीं कर रहे हैं ना, कि दूसरा कोई आदमी तुमको शांत करवा रहा है, शांत है नहीं तुम्हें, दुपट्टा कहाँ है तुम्हारा, क्या 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 दुपट्टा नहीं है, दुपट्टा नहीं है किए जा रहे हो, पागल हो गए हो क्या, साइको हो गए हो, हाय हुल्ला गाड़ खुला सब घूमते रहता है, जन्ने मन तन्ने, पहले कमीज सीखो बोलने का, ठीक है किसके सामने क्या बात कर रहे हो, रहने दीजिए ना छोड़िए ना, नहीं कुछ बोल रहे हैं ना तो कुछ ज्यादा एकदम सर पे एकदम चढ़ते जा रहे हो, चढ़ते जा रहे हो, नहीं हम क्या ऐसा बोला, आप तो यही पे है ना मिस्त्री जी, हम इसको क्या ऐसा बोल दिए, अब मुंह से चिबा जाओगी, बोल तो तुम सबसे ज्यादा रही हो, हम तो इतना बोले हैं कि मिस्त्री के सामने घर की औरत नहीं आती, हम अब बात कर रहे हैं तो तुम क्यों घुसने आई बीच में, हमको बस डिजाइन हमको देखना था, वही हम देखने के लिए आए, क्या बर्दाश्त नहीं होता है कि वहाँ से हम यहाँ आए तो पीछे पीछे आ गई हो, घर का जाओ काम करो किचन उचन में, डिजाइन देखना, बहुत बड़ी फैशन डिजाइन है, इंटीरियर डिजाइनर बन गई हो, ये लोग जो अच्छो बनाने रहेंगे ना तुम लोग अपना बुद्धिया लगा के आओ खराब करवा दोगी, कम हम क्यों बुद्धि लेंगे, ऑलरेडी बुद्धि है हमको अपने रूम में करवाना, हम वही हम देखने के लिए आए जी, सुनिए इधर आपकी पत्नी इतना बोलती है, आप काम का चार को आदमी बात करता था बीच में आके दिमाग देती है, मैं नहीं बताऊंगा, हाँ देखो सीखो सीखो भैया को, गांव घर में ना नसीहत सोच करके रखता है मर्दन मन समझ, इस शहरवा में आके ना मर्दन में को बीवी बना देती है, आदमी के सामने अपने बीवी का इंसल्ट करते हैं भैया, बेइज्जती करते हैं, हम लोग काम करने जाते हैं तो हम लोग के पास थोड़े रहती है, तो? थोड़े ना तो रूम में रहती है, हाँ कहाँ से किसी के साथ आएगी बात करने, तब रूम में रहती है, ये है रूम से बाहर कूदते रहती है, डेंगा पानी खेलते रहती है, कभी दीदी कभी यहाँ, जब हम नहीं थे तभी बुद्धि हमको चिड़ इस बात का है, पहले ही दिमाग क्यों नहीं आया स्लाइडिंग वाला, जब हम आए हैं घर में कुछ फैसला ले रहे हैं तो ये मलकिनी बनने आई है ठाकुरानी, और हम ऐसा क्या बोले, हम तो बस यही बोले हैं ना कि हम मेरे रूम में लगा दीजिएगा, और हम ऐसा क्या, तो हम घर में नहीं रहते होंगे तो तुम तो दिन भर बाजार घूमते रहते होगी, रिक्शा हो या स्कूटी मिलिए गया है, ओ यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे बहस कर रही हो, पति का इज्जत गिरा रही हो, हमको किसी चीज़ क्या बोलेंगे, चार को गांव में जाके घर में जाके कि देखो एगो साहब के यहाँ काम करने गए थे, अब मोगी मर्दन माँ अपने में लड़ रही थी सब, हाँ बहुत अच्छा तुमको भी देख रहे कि तुम बहुत अच्छे से बिहेव कर रहे हो मेरे साथ, ठीक है कुछ नहीं बोलते ना तो एकदम सर पे चढ़े जा रहे हो, चढ़े जा रहे हो, ये भी नहीं सोच रहे कि हाँ चार मिस्त्री के सामने तुम मेरा इंसल्ट कर रहे हो।
एकदम चुप। क्या चुप चुप किया जा रहा है? तो बात कर रही हो? बस कीजिए भैया, रहने दीजिए। बस कीजिए, रहने दीजिए। रहने दीजिए, मर मर छोड़ दीजिए। पागल हो गए हो क्या तुम? बन जाएगा, रहने दीजिए। अरे बंद तो जाए करेगा, ये कहे बीच में आइए। जब आदमी घर का मर्द बात कर रहा था, औरत को आना जरूरी है? टांग में टांग फंसा रही हो बीच में, जाओ यहाँ से। आगो फालतू मिस्त्री जी, सीन सीरियस हो गया। हम प्रैंक कर रहे थे, कॉमेडी कर रहे थे। हाँ, प्रैंक मतलब कुछ होता है भैया, प्रैंक मतलब कुछ होता है भैया, प्रैंक मतलब होता है कॉमेडी वीडियो बना रहे थे। वही देखे कि आप लोग लड़ते कभी नहीं, आज कैसे लड़ गए। वाओ, जाइए भैया, मनाइए, रोते हुए गए। जा रहे जा रहे जा रहे मिस्त्री जी, थैंक यू। आपको कुछ बुरा नहीं लगा? नहीं, हमको बनवाना है सेम चीज, ये वाला बन जाएगा ना, तो सेम डिजाइन हम आते हैं उसको बना के। गाइस बहुत गुस्सा हो गई है यार, बहुत ज्यादा बोल दिए मिस्त्री के सामने, पता नहीं क्या होगा। देखते हैं सोनल। सोनल क्या सोनल सोनल करते रहते हो हमेशा? और क्या ये मतलब है यार कि जब देखो तुम चार वो आदमी के सामने भी तुम बेचत बेचत कर देते हो? क्या हम उसको बोले जो कि तुम हमको इतना सुनाए उसके सामने? अरे बोले ना, थोड़ा वीडियो बना रहे थे। क्या वीडियो? वीडियो करते रहते हो 24 घंटे? ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, ठीक है, जो बोलना है बोल, उसके बाद बोल दो कि हम वीडियो बना रहे थे। इसीलिए मिस्त्री जी बोले हमको कि जाइए, रो गई है दीदी, तो बोले वो भी देख लिए तुमको रोते हुए, तो हम दौड़ के। क्या सोचेंगे मेरे बारे में? आदमी ना अकेले अगर डांटता है ना तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चार को बैठा के सामने क्या सोचेगा? आप मेरा इज्जत इज्जत नहीं है क्या? जब देखो बेइज्जत करते रहते हो 24 घंटा। प्रैंक कर रहे थे ना, वीडियो बना रहे थे ना जी, कॉमेडी वाला। क्या प्रैंक? हमको मत लिया करो वीडियो में, हमको नहीं आना है तुम्हारे वीडियो में। वीडियो ये अच्छा है तुम्हारा, ठीक है, वीडियो के चक्कर में जो बोलना है सबके सामने, जितना बेइज्जत करना है बेइज्जत कर दो हमको। सॉरी यार, हमको नहीं, हमको नहीं कराना है, छोड़ो। सॉरी बाबू, सॉरी बाबू, रियल सॉरी यार, मत रो यार। सुबह से देख रहे हैं कि ये चीज नहीं लियो, वो चीज नहीं लियो, बोल तो ऐसे मजाक कर रहे थे ना जी, गलती हो गया, हम नहीं करेंगे। अब इस टाइप का प्रैंक कभी नहीं करेंगे गाइस, हम इस टाइप का प्रैंक नहीं करेंगे। आप लोग कमेंट किए थे पॉसेसिव क्रेजी हस्बैंड बनो, भाभी को रोक टोक करो, इरिटेट करो, अब हम नहीं करेंगे, ना इरिटेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, नॉर्मल सा प्रैंक करेंगे। क्योंकि ज्यादा प्रैंक करते हैं तो आप लोग और ज्यादा प्रैंक करेंगे तो इन लोग ये भी बोलता है कि स्क्रिप्टेड उसने देखे ना क्या हो गया, स्क्रिप्ट के चक्कर। और लोग बोलता है कि आप क्लाइमेक्स नहीं दिखाए, अंत में कैसे मनाएं, क्या मनाएंगे, ऐसे मनाने वाला स्थिति है। अब 7 दिन पे वीडियो लाते हैं, आप देखिए 2 दिन इसका मुंह खुलेगा, तीसरा दिन नॉर्मल होगा, फिर कभी प्रैंक करेंगे तो फिर वही हाल हो जाता है। तो अब इसीलिए हमको मन भी नहीं करता, कभी कभी लगता है कि हम चैनल ही छोड़ दें, क्योंकि ये सब बहुत क्या बोले, अब आप लोग समझते नहीं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।